अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 15 था 21 फरवरी 2016 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तदा करेंगे बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम दराज हो रहा है यकम तक 17 फरवरी जैसे कि चौथे घर में रहते हुए खान की सुख और ज़मीन जायदाद के लेन देन के अलावा सिफारिश से मुतलक अमूर को भी खास अहमियत का हामिल बना सकेगा। अगर आप थोड़ा सा होशियारी से चालाकी से काम लेंगे, थोड़ा सोच समझ काम लेंगे तो यकीन आप इन सबसे फ़ायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। 18 से 29 फरवरी जोरा जायचे के 5 घर में मौजूद होगा जिसकी वजह से आपकी औलाद जो आपके लिए खुशी का बाइस बन सकती है और आपके रोमानवी ज़िंदगी जो है वो आपकी सोचों का मरकज़ रहेगी, महवर रहेगी। और जिन लोगों की शादी नहीं है उनके छोटे बहन भाई जो उनके लिए खुशी का बाइस बन सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, 15 फरवरी को दोस्तों से आपके इख्तलाफात हो सकते हैं जबकि 16 फरवरी को बिरूने मुल्क जो अगर आपने कुछ सफ़र तय किया हुआ है, प्लान किया हुआ तो उसमें थोड़ा देर हो सकती है। 17 फरवरी को आपके रूहानियत के शौक में मज़ीद इजाफा मुमकिन हो पाएगा। 18 फरवरी को कारोबार तरक्की की तरफ गामजन रहेगा जबकि मसरूफियत और ज़िम्मेदारियों में भी इजाफा मुमकिन हो पाएगा। 19 फरवरी को दरपेश मसाइल का खात्मा मुमकिन बनाने में कामयाब रहेंगे। 20 फरवरी को ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन ना हो सकेगी और जो मुश्किल काम है वो आपके दोस्तों में से कोई आपसे जलसी करेगा, हसरत करेगा जिसकी वजह से आप जो है वो नाकाम हो सकते हैं। 21 फरवरी को आपकी जहनी सलाहियतें उजागर हो सकती हैं जबकि आप अपने मामलात को बासानी दूसरों से शेयर भी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 या मनफी असरात का हामिल दिन बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक तमामा आपके ताले में रहते हुए आपके हालात वाकयात में मुस्बत तब्दीली लाने के साथ साथ आपकी सोच में भी वसत ला सकेगा। आपका जैलिया कंप्यूटर तमामा जायचे के तीसरे घर में ही मौजूद रहेगा। 15 फरवरी को मरीख मुश्तरी तजदीज की वजह से आप खास मकासद के तहत जो अगर कुछ इकदाम करेंगे या कामयाब जो इकदाम किए गए होंगे उनमें कामयाबी आपको मिल सकेगी जबकि पॉजिटिव जो सोचे हैं आपकी उनकी वजह से अपने मामला में कई आसानियां पैदा कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, 15 फरवरी को आपकी ज़्यादातर तवज्जो तख्लीकी कामों की तरफ जुड़ रहेगी। 8वें शोबा में आपकी दिलचस्पी भी मजीद बढ़ सकेगी। 16 फरवरी को आप घर की तज़ीन व आराइश कर सकेंगे, सजावट कर सकेंगे जबकि आपकी सेहत भी बेहतर हो सकेगी। 17 फरवरी को रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात आपके मुस्तहकम रहेंगे। 18 को अपने मसाइल का मुस्बत हल तलाश कर पाएंगे। 19 फरवरी को इसको मोहब्बत से मुतलक उमूर अहमियत के हामिल रहेंगे जबकि तख्लीकी कामों में आपकी दिलचस्पी भी बरकरार रहेगी। 20 फरवरी को आपके माहौल में खुशगवार तब्दीली आ सकेगी। 21 फरवरी को अपने ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बनाने के लिए या मुमकिन बनाने के साथ साथ दोस्तों का तआवुन भी आपको हासिल रहेगा जिसकी वजह से आप अपने ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बना पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो मामूल सफर के साथ असरात का हामिल दिन है वो 15 फरवरी जबकि मामूल सफर के जो मनफी असरात का हामिल दिन है मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं। बुर्ज कॉस सेगटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा, आपका हाकिम सर हम मुश्तरी तमाम आपके बदसमा में रुझत की हालत में मौजूद होगा यानी फाइनेंशियल हाउस में जिसकी वजह से आपको अपने करियर में एहतियात करना होगी। कारोबारी मुआहदे करते हुए, सरमायाकारी करते हुए खासा सोचो विचार से और क्या कहते हैं ज़रा एनालाइज करके हालात वाक़ात का तजिया करना होगा जबकि अगर मुश्किल में फंस जाए तो अपने बुजुर्गों से, अपने सीनियर लोगों से आप मशावरत भी कर सकते हैं। आपके ताले में दौल की जो मौजूदगी है वो आपके हालात में हकीकत पसंदाना सोच जो उसको जन्म देने के अलावा आपके किए गए जो अमली इकदाम आते हैं उनको बेहतर बनाने में आपका साथ रहेगा जबकि बुजुर्गों का तामन शामिल हाल रहने से भी आप खासे अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। 15 फरवरी को मरीख मुश्तरी तजदीस के बाद आपके अंदर खुद इतमादी जन्म ले सकेगी जबकि पॉजिटिव जो है वो आपका लाइन ऑफ एक्शन वो हालात से अपने मकासद का हसूल मुमकिन बनाने में आपका साथ देगा जबकि ऐसे में पॉजिटिव जो कंपटीशन है वो भी कुछ कर सेहतमंदाना मुकाबले जो है वो भी आप कर सकते हैं और वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, 15 फरवरी को आपके घरेलू मामला जो हैं वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 16 फरवरी को गुस्से और जज्बात से अपने मसाइल हल करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 17 फरवरी को आपके जारी मामला जो हैं उनमें कोई टेक्निकल या पेचीदगी पैदा हो सकती है या मामला बिगड़ सकते हैं और ऐसे में आपको खासा मुतहम्मल मिजाज होना होगा, अपने मिजाज के बरखिलाफ लचक पैदा करके अपने आपको संभालना होगा। 18 फरवरी को लड़ाई झगड़े का अंदेशा सामने आ सकता है जिसकी वजह से आपकी सेहत भी मुतासर हो सकती है। 19 फरवरी को
आपको मुबालगा आराइज से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि आप 19 फरवरी को हकीकत से बढ़ा चढ़ा कर अपने हालात को पेश करने की कोशिश कर सकते हैं। 20 फरवरी को आपको हर मामले में एहतियात की ज़रूरत जो है वो पेश आ सकती है, ताकि आप शर्मिंदगी से बच सकें। 21 फरवरी को खुद इतमादी के 22 मकासद के हसूल के लिए आप बहुत सारे जो खतरात मुँह ले सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के 7 असरात का हामिल दिन जो है वो 15 फरवरी, जबकि मामूल से बढ़ के जो मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है उनमें कोई भी दिन शामिल नहीं है। यानी एहतियात तलब दिन ही मामूल का हफ्ता बन जाएगा, यहाँ आके सिर्फ एक दिन आपके लिए पॉजिटिव है, तो यकीन यह आपके लिए खासा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का 30 का हिस्सा भी इख्तिताम से हुआ।